नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा दिग्गज एक FMCG कंपनी के बारे में। देखिए, देखा जाए तो FMCG सेक्टर से जरूर बिलोंग करते हैं, मगर इस कंपनी का मेन बिजनेस आप सभी जानते हैं, सिगरेट कंपनी है। तो एक सिगरेट कंपनी मतलब सिगरेट बनाने वाला कंपनी है, और इंडिया के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज मतलब सिगरेट सेक्टर में अगर आते हैं तो ITC के ऊपर आते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ITC के बारे में, क्योंकि ITC ने एक बहुत डाइवर्स मतलब देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एक नया कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया है, मतलब एक नया कंपनी का स्टेक खरीदारी किया है। तो इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा होगा और शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करूंगा। जो जितने सारे दोस्त ITC के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए, और जितने सारे दोस्त नहीं निवेश करके रखे हैं तो वो भी देखिए, क्योंकि ये जो एक्विजिशन है इसके मतलब बावजूद शायद मुझे लगता है कंपनी में एक चेंजिंग आ सकता है, और कंपनी एक नया डिसीजन यहाँ पे लिया हुआ है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। और कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, और मैं जानता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू लुपन। तो ब्लू लुपन एक IT सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। IT एक्चुअली IT आप बोल सकते हैं, एक वेब डी एक्चुअली IT नहीं, एक वेब डिजाइनिंग, एक वेब डेवलपमेंट एंड एक एप्स बनाने वाला कंपनी है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप वेब एंड मोबाइल एप्स डेवलपमेंट कंपनी फॉर एंटरप्राइजेस। तो एक्चुअली कंपनी देखिए बेटर टेक्नोलॉजीज एंड बेटर रिजल्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं, और ज़्यादातर वेबसाइट मतलब मैं आप आज यहाँ पे जो साइट के ऊपर आपको ओपन करके रखा, इस साइट को भी कोई ना कोई तो कंपनी डेवलप किया है। हाँ, जो ये जो कंपनी है जो ब्लू लुपन है, तो वो एक IT सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं और एक टेक्नोलॉजी साथ के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस बिजनेस को क्यों दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस कंपनी को तो देख लीजिए, क्योंकि इसी के साथ जुड़े हुए हैं, संबंध अभी ITC के साथ होगा। तो देखिए कंपनी जो मोबाइल बेस्ड जो मतलब प्रोडक्शन है उसके ऊपर काम करते हैं, या फिर देखिए जो ऑप्टिकल्स है उसके ऊपर काम करते हैं, ऑपरेशन जो मेरिन या फिर ट्राई मेरिन के ऊपर, ऑपरेशन टोटल के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वेब डिज़ाइन के ऊपर, ट्रायर का जो वेब डिज़ाइन है उसका पोर्टल के ऊपर भी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ आप देखिए मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे जो एप्स आप मोबाइल में जो एप्स देखते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और कंपनी देखिए जो ट्रस्टेड बाई है, मतलब कंपनी वी आर ट्रस्टेड बाई, आप यहाँ पे देख सकते NIIT जो नेस्कम जो है, वोडाफोन जो फाउंडेशन है इसके ऊपर भी कंपनी टास्क है, और कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है, रिलायंस जियो भी है। साथ ही साथ और भी देखिए NOGD, ये भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, और देखिए यूनाइटेड नेशन। तो इस तरीके से कुछ मतलब कंपनीज के ऊपर, कुछ गवर्नमेंट मतलब सेक्टर के ऊपर यहाँ पे कंपनी ट्रस्टेड करके काम करते हैं। तो इतना टाइम में आपको मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं तो आपको बात करने वाला था ITC के ऊपर। तो देखिए ITC के साथ ही इसका संबंध हुआ, तो इसीलिए इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आपका एक फ्रेंड्स है, उसका भी एक बिजनेस है, मगर वो सेक्टर अलग है। तो आपका दोस्त ने बोला कि मेरा जो बिजनेस है मैं चला नहीं पाऊंगा, मैं दूसरा बिजनेस में शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्या तू मेरा बिजनेस खरीदारी करेंगे? तो वो आपको एक ऑफर दिया, तो उस ऑफर लेकर आपको आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं तो तेरा पूरा बिजनेस नहीं खरीद पाऊंगा, मैं आप तेरा एक हिस्सेदारी खरीद पाऊंगा। तो आपने क्या किया, वो आपका दोस्त का जो बिजनेस है उनमें से 10% की 15% स्टेक आपने खरीदारी किए। तो क्यों खरीदारी किए, कि उसका जो बिजनेस है वो भी चलाइए और आप भी उसके ऊपर हिस्सेदारी रख के आप भी फायदा कमाइए, क्योंकि आपको जरूरत है उसका बिजनेस का कोई पार्ट, क्योंकि आपका भी बिजनेस में उसी का पार्ट ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए ITC जो है आप सभी जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल बहुत तरीके से है, तो कंपनी IT सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो ITC का IT सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर फ्यूचर में ज़्यादातर फोकस देने वाला है। तो इसीलिए वो अभी से ITC ने इस कंपनी के ऊपर टाई अप किया और इस कंपनी का स्टेक खरीदारी की।
तो देखिए यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, ITC एक्वायर्स क्या किया, 10% स्टेक इन ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज फॉर रुपीज 39.34 करोड़। तो देखिए 39.34 करोड़ देकर 10% स्टेक खरीदारी किया। आप कहेंगे सर 39, ओनली 39 करोड़, ये तो ITC के लिए एक मामूली बात है। बिल्कुल मामूली बात जरूर है, मानता हूँ, मगर फिर भी देखिए कोई भी कंपनी को खरीदारी करने मतलब किया है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोच के किया है। चलो वो पॉजिटिविटी क्या है वो चलो सर आपके सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक्चुअली इक्विटी जो ITC ऑन सैटरडे के दिन मतलब वो कुछ दिनों पहले आपको बताया गया है तो रिपोर्ट के माध्यम से आने के लिए टाइम लग गया है। तो सेड इट हैज एक्वायर्ड 10.7% स्टेक इन, यहाँ पे देखिए ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्चुअली ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्टेक खरीदारी की है, इसीलिए मैं इतना टाइम में आप लोग को उस वेबसाइट को बता रहा था। क्योंकि देखिए आप इस कंपनी ने देखिए आप कोई भी शेयर के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं। वो कंपनी क्या कर रहा है, आपका आपका भी पैसा वहाँ पे लगा हुआ है तो आपका पैसा लेके वो क्या कर रहा है वो तो जानने का पूरा हक आपके पास है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने जिस कंपनी को एक्वायर किया है वो कंपनी कितना पॉजिटिव है, वो कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल्स है वो ना जानकर वो कंपनी तो मतलब ITC ने तो इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ITC तो डिसाइड कर लिया कि 10% स्टेक खरीदारी करेंगे। तो आपको भी तो जानना है कि एक्चुअली ITC सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर गलत दिशा में जा रहा है तो आपको एक चांसेस मिलेगा आप उस कंपनी को बेचने के लिए, क्योंकि खराब दिशा में जाने से अच्छा है आप मतलब आपका पैसा डूब जाए तो इससे पहले ही आप वहाँ से निकल जाइए, अच्छी बात है। तो ये जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छा खासा पॉइंट मुझे जरूर लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज के साथ कंपनी को काम करना होगा, क्योंकि ITC जैसे कंपनी बहुत दिनों तक लंबी पीरियड तक कंपनी देखा जाए उतना खास रिटर्न नहीं दिया, एक साइड बेसिस पैटर्न में चला है। मुझे लगता है बिजनेस को थोड़ा सा मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए बिजनेस को D2C मॉडल्स के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने मतलब कोशिश कर रहा है, कोशिश मतलब ट्राई कर रहा है। तो D2C क्या है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर के पास भेजना चाहिए। मैं पिछले मतलब वीडियो में B2B का फॉर्मूला आपको बताया था, अभी यहाँ पे D2C है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, तो मतलब डायरेक्ट आप कंज्यूमर के साथ बिजनेस कर सकते हैं, कस्टमर के साथ आप माल बेच सकते हैं। तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर ITC ने IT सेक्टर को चूज किया, एक IT मतलब वेब डिजाइन और एप्स बनाने वाला कंपनी के ऊपर चूज किया। तो यहाँ पे देखा बताया जा रहा है क्या, द FMCG मेजर अप्रैल हैज अनाउंस दैट एक्विजिशन 10% स्टेक। यहाँ पे देखिए ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में पहले आपको बताया 39.34 करोड़ देकर वो यहाँ पे खरीदारी की है। तो देखिए द कंपनी हैज एक्वायर्ड टुडे 28 मई 2022 तो कितना 400 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ द 2980 कंपल्सरी कन्वर्टेबल कमलेटिव जो परसेंटेज है जो शेयर का हिस्सेदारी है उसको यहाँ पे खरीदारी की है। तो अभी जो मेन मुद्दा है, क्या इस खरीदारी से आपको क्या फायदा होगा, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ ITC का जो मेन बिजनेस है सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, चलो आप देख लीजिए ITC का जो मेन बिजनेस है उनमें से सबसे ज्यादा पैसा आता है कहाँ से, सिगरेट से। तो सिगरेट से कंपनी ने इतना पैसा कमा रहा है, 40% रेवेन्यू सिगरेट से आ रहा है। तो देखिए आज ठीक ठाक चल रहा है चलो मानता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेके आए कि सिगरेट बैंड है मतलब सिगरेट बेचना बैंड है तो इसलिए कंपनी का हालत क्या हो जाएगा, 40% से डायरेक्ट हो जाएगा 10%, उससे भी कम हो जाएगा। क्योंकि चलो बेच कंपनी तो बेचेंगे ही, इंडिया में नहीं बाहर के कंट्री में भी बेचेंगे, तो इसलिए शायद 10 to 15% to 20% तक कंपनी का बेचने का रेशियो हो जाएगा। तो वहां से जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू अगर बंद हो जाते तो कंपनी के ऊपर बहुत बहुत बिग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता था। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, उसका बिजनेस को और बढ़ा रहा है अलग अलग सेक्टर के वाइज, मतलब वो फिगरेशन कर रहा है। इसमें क्या होगा, अगर आपका मतलब दुकान है, कोई भी एक दुकान में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए मतलब लॉसेस कंटिन्यू हो भी रहा है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार जो और एक्स्ट्रा दुकान से वहाँ से आपको जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपको मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस देगा। तो यही बात कंपनी ने पहले से ही सोच के रखा था और अभी थोड़ा थोड़ा करके वो
डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है बहुत पॉजिटिव है शेयर होल्डर के लिए भी, क्योंकि देखिए आप इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक चीज़ में दिखाऊंगा, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है, देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है, क्योंकि आप इस कंपनी का पॉजिटिविटी देख सकते हैं। कंपनी इतना शानदार है, इतना शानदार है, इसका सिर्फ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख कर ही आपको पता लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का इनकम, कंपनी का क्या हाथ में क्या, सारे के सारे पॉजिटिव में है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि प्रोमोटर के पास कुछ हिस्सेदारी नहीं, कोई बात नहीं, एलएनटी जैसे कंपनी में भी कोई भी प्रोमोटर नहीं है। इसका मतलब क्या, एलएनटी खराब हो गया, इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग रैंकिंग में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, ये बात भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस में देखा जाए तो कंपनी आपको रिटर्न का रेशियो जो है वो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो मुझे 26% रिटर्न मिल गया, ऐसे सोचेंगे तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर है। तो आप ट्रेडर के जैसे सोचिए, आपका ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग में नॉलेज है आपका, तो ट्रेडिंग जरूर करिए। तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी का रेशियोज उतना खास नहीं है रिटर्न का, तो फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर अगर कंपनी खराब है, मानता हूं मैं कंपनी, आप कहेंगे रिटर्न अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टर उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, मगर आप देखेंगे तो एफआईएस के पास भी माल है 11%, डीएस के पास भी माल है जबरदस्त 42%, पब्लिक के पास 45% है। देखिए कब इस कंपनी प्रॉफिट देगा वो किसी को पता नहीं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही आपको बता देंगे कि ऐसे मतलब फ्यूचर में भी इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस हुआ। देखिए जो कंपनी एक टाइम में 17-18 रुपया चल रहा था, वो कंपनी अभी 250 के रुपीज़ में गया था, 300 के रुपीज़ में गया था, इसका मतलब आप समझ लीजिए धीरे 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 कंपनी ग्रोथ किया, उसके बाद बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला। इस पैटर्न जब ब्रेक करेगा तो और भी फिर से एक नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, तो आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो कंटिन्यू करिए, और आपके पास इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, तो बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, अभी तक हमने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर लेना जरूर, वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नए स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।